सत श्री अकाल जी, तुहाड़ा राज पंजाबी कहानियां विच एक बार फिर तो स्वागत है। करतार सिंह सारे पिंड विचों उच्चे घराने नाल संबंधित सी। पिंड तो बाहर उन्हां दी एक वड्डी फैक्टरी चलदी सी ते सारे पिंड नालों वड्डी कोठी पिंड विच पाई सी। जमीन जायदाद भी बहुत सी, घर किसी चीज़ की कमी नहीं सी। हर सुख सहूलत जो जिंदगी जीउण लई जरूरी हुंदी है उहदे घर मौजूद सी। देखण नूं वी बड़ा फब्बदा गभरू सी, सुभाअ पक्खों चंगा होण करके सारे उहनूं पसंद करदे सी ते उह वी सारिआं नूं बड़े प्यार नाल मिलदा। लागले पिंड दो सरदारां दे घर वजदे सी, उह आपस विच गवांढी सन। इह वी घरों चंगे सरदे पुजदे सी। इहनां दीआं दो कुड़ियां सन, इक घर दी जीतो ते दूजे घर दी राणी। कहण नूं तां उह गवांढी सन पर उन्हां कुड़ियां विच प्यार बहुत ज़्यादा सी। इकट्ठे स्कूल जाना, खेडना, घूमना, इको जिहे कपड़े ते होर बहुत सारा कुछ इकट्ठा ही हुंदा। कई बार जीतो दे प्यो ने कहना, मर जाणियो जे तुहाडे विचों कोई पहला मर गई जां फिर तुहानू दोवां नू इको ही मुंडा पसंद आ गया फिर की होवेगा। तां उन्हां दोवां ने इस दा कोई जवाब ना देना ते हस पैना। छोटियां तो वह वड्डियां हुंदियां गईयां पर उन्हां दे प्यार विच कोई कमी ना आई, सगो दिन प्रतिदिन यह वधदा गया। जदों भी किते हथ पैंदा तां दोवें कुड़ियां दीआं मावां उन्हां दे दाज वास्ते निक सुक खरीद लैंदियां। करतार सिंह दा इन्हां दोवां घरां विच आउणा जाणा सी, कदे कोई पैसे दा लैण देण हुंदा ते कदी कोई होर हिसाब किताब हुंदा तां करतार दा प्यो हमेशा उन्हूं ही भेजदा। उह दोवें घर करतार नूं पसंद भी बहुत करदे सन। उहने जदों भी उन्हां विच्चों किसे दे घर जाणा तां बड़े सलीके नाल गल करनी। जीतो ते राणी दोवां नूं ही उह चंगा लगदा सी। उह दोवें आपस विच इक दूजे नाल करतार बारे गल्लां करदियां पर कदे इक दूजे कोल प्यार दा हुंगारा ना भरिया। पर करतार राणी नूं ज़्यादा पसंद करदा सी ते इह गल राणी नूं पता भी सी। जदों भी उह राणी दे घर जांदा तां उह फटाफट उहदे लई चाह बनाउण लग जांदी। करतार वरांडे विच बैठा उहदे प्यो नाल गल्लां करदा रहिंदा ते उह उस नूं रसोई दी बारी विच्चों देखदी रहिंदी ते कुछ सोच के मुस्कान उहदे बुल्लां ते तैरन लग जांदी। पर उन्हां दी कदे इक दूजे नूं गल कहन दी हिम्मत ना पई। बस करतार ने इक दो वार डर डर के गल कीती ते उहदी हां दा हुंगारा लै लिया। उधर जीतो भी करतार दे सुपनिआं विच गुआची रहिंदी, कदे सिर ते लाल चुन्नी लै के अपने आप नूं वेखदी ते कदे विहड़े विच गाणा गाउंदी होई मोरनी बण बण पैलां पाउंदी। एक दिन अचानक राणी दे पेट विच बहुत तेज दर्द उठी, उहनूं जल्दी नाल डाक्टर कोल लै के गए। डाक्टर ने चैक करन तों बाद कुछ टैसट करवाए ते उस रिपोर्ट तों बाद जो डाक्टर ने दस्या उहदे नाल सब दे होश उड गए। डाक्टर ने कहा, राणी भविख विच कदे मां नहीं बन सकेगी, इहदा कोई इलाज भी नहीं है। उहदे मां बाप काफ़ी परेशान हो गए, उहनां नूं अपनी बेटी दा भविख धुंधला नज़र आउण लग पिया। इह गल करतार नूं पता लगी ते उहदे घर वी पहुँच गई पर करतार फिर वी राणी नाल विआह करवाउण लई तैयार सी। उह सिद्धा तां किसे नूं कुछ नहीं कह सकदा सी क्योंकि प्रेम विआह नूं उहनां दे पिंड चंगा नहीं समझिआ जांदा सी। इस लई उसने अपने किसी दोस्त दे प्यो नूं विच पा के राणी ते अपने रिश्ते दी गल अपने घर पहुँचा दित्ती। पर करतार दी मां नूं राणी दे नुक्स बारे पता सी, उहनें रिश्ते तो साफ मना कर दिता ते कहा, साडी इन्नी जायदाद है जे उह सानूं वारिस नहीं दे सकदी तां फिर उहनूं लिआउण दा की फायदा ते हाँ जे रिश्ता करवाउणा ही है तां उहनां दे गवांढियां दी कुड़ी जीतो नाल करवा दे। करतार दे दोस्त ने प्यो ने इह गल जा के करतार ते राणी दोवां नूं दसी। हुण राणी काफ़ी दुविधा विच सी, उह सोच रही सी कि कीता जावे। उह करतार नूं प्यार भी करदी सी ते अपने शरीरक नुक्स तों भी मुकर नहीं सकदी सी।
उन्हें किसी तरीके करतार नूं जीतो नाल व्याह करन लई मना लिया ते नाल ही सारी उम्र इस गल लई मूँह बंद करन लई कहा कि ओह कदे मैनू प्यार करदा सी। फिर राणी जीतो कोल गई ते उन्हूं कहा कि करतार ने सुनेहा दिता है कि ओह तैनू प्यार करदा है ते तेरे नाल व्याह करवाना चाहुंदा है, जे तू हाँ करदी है तां बाकी सारा कुछ मैं संभाल लैणा। जीतो तो पहला ही इस सब लई तैयार सी, उन्हें झट हाँ कर दिती पर उसनू राणी ते करतार दे प्यार बारे नहीं पता सी। ओही दोस्त दे प्यो नू विच पा के रिश्ता जीतो घर भेजिया गया ते दोवां दा व्याह बड़ी धूम धाम नाल हो गया। भावें राणी व्याह विच अगे अगे सी ते बहुत खुश सी, पर इह तां परमात्मा ही जानदा है कि उन्हें किवें अपना दिल मुट्ठी विच कुट्टिया होया सी। ओहदे डोली उठण वेले ओह बहुत रोई। सब दे मन विच सी कि जीतो दे जान करके इस तरह रो रही है, पर किसे नू की पता कि उसने अपना प्यार अपने हत्था नाल दूजे दी झोली पा दिता। करतार दे घर जीतो दा निघा स्वागत होया, सारे रीति रिवाज किते गए, नवे सूट ते गहणियां दे भंडार उन्हू दिते गए। करतार भी उहदा पूरा ध्यान रखदा, उहदी छोटी छोटी जरूरत पूरी करदा। जल्दी ही जीतो ने सारे घर दी जिम्मेवारी संभाल लई। घर विच उहदा रुतबा महाराणी वाला सी। उधर राणी दे रिश्ते बारे जिथे भी गल चलदी तां मुंडे वाले उहदे नुक्स करके रिश्ते तों मना कर दिंदे ते जिथे किते पहला बच्चा हुंदा उत्थे राणी मना कर दिंदी। व्याह तों कोई 2 साल बाद जीतो ने एक बहुत खूबसूरत कुड़ी नूं जन्म दिता। ओह हूबहू करतार वर्गी सी। करतार ने कहना मेरी धी मेरे ते गई है, ता फिर जीतो ने कहना ठीक आ, परवरिश भी तुसी करनी ते व्याह दी जिम्मेवारी भी तुहाडी, मैं वेली। फिर ओ दोवें हस पैंदे। उन्हां ने कुड़ी दा नाम निम्मी रखिया। समा अपनी चाल चलदा गया। कुड़ी 3 साल दी होई तां जीतो ने एक मुंडे नूं जन्म दिता। मुंडे दे जन्म तो बाद ओहदी बुक्कत घर विच होर वध गई। मुंडे दा नाम नूर रखिया गया। जीतो अपने दोवें बच्चियां नूं लै के अपने पेके घर आउंदी तां राणी नूं तां जिवें चाह चढ़ जांदा। ओह सारा दिन उन्हां नाल खेडदी, अपने घर चुक लिआउंदी। ओह मुंडा तां राणी नाल खेडदा रहिंदा पर कुड़ी ज़्यादा ना खेडदी, उहनूं राणी उपरी जिही लगदी। राणी जीतो दे बच्चियां तों करतार दे अहसास नूं महसूस करदी ते अपना सारा प्यार उहनां ते लुटा देंदी। जिन्ना चिर जीतो पेके रहिंदी उन्ने दिन राणी बच्चियां नूं अपने कोल रखदी। मुंडे दा तां बाला मोह पै गया राणी नाल, ओह तां उत्थों जाण लगा रोण ही लग पिया। हुण जीतो दी कुड़ी 6 साल ते मुंडा 3 साल दा हो गया सी। सारा कुछ बड़ा वधिया चल रहा सी। एक दिन ओह सारा टब्बर खा पी के सुत्ता ते सवेरे जीतो उठी नहीं। करतार ने उन्हूं 1 वार 2 वार आवाज़ भी मारी पर उन्हें कोई जवाब ना दिता। करतार नूं परेशानी होई तां उन्हें जीतो नूं हिला के देखिया पर उहदे वल्लों कोई जवाब ना आउण ते डाक्टर नूं बुलाया गया। डाक्टर ने सारा चैक करन तों बाद कहा कि इस नूं मरी नूं कोई 4 घंटे हो चुके हन। इह सुण के तां सारे परिवार दे होश उड गए। बच्चे भी चीकां मार के रोण लग पए ते करतार तां जिवें बेशुद्ध हो गया। इन्नी छोटी उम्र विच ही उस दी सारी दुनिया जो उजड़ गई सी। खबर मिलन ते राणी ते उसदा परिवार जीतो दे पेकिया नाल उत्थे पहुंच गया। सब दा रो रो बुरा हाल हो गया। सब रस्मां करन तों बाद सारे अपने अपने घर चले गए। हुण घर विच करतार अपने बच्चियां नाल जीतो दियां यादां समेत जिंदगी बतीत करन लगा। राणी ने एक होर वार करतार नूं उहदा दुख हौला करन लई फोन भी कीता पर फिर ओह कर भी की सकदी सी। हौली हौली करतार दी जिंदगी तुरन लगी पर ओह हर समय परेशान रहन लगा ते राणी नूं भी हर समय काल जही पैंदी रहिंदी। करतार दे दोस्त नूं राणी ते करतार दी एक दूजे प्रति भावना दा पता सी।
इस लई उसने करतार ते राणी नूं व्याह लई मना लिया। उन्हें कहा, इस तरह तुसी एक दूजे दा सहारा बन जाओगे ते बच्चे भी सौखे पल जाणगे। पहला तां करतार ने मना कर दिता। उस नूं लगदा कि इह राणी नाल धक्का होवेगा। उस दे कुछ कुवारियां कुड़ियां वाले अरमान होणगे ते इत्थे आउंदिया ही उस ते दो बच्चियां दी जिम्मेवारी पै जावेगी। पर दोस्त दे जोर देण ते उह मन गया ते उन्हां दोवां दा विआह हो गया। राणी दे आउण नाल करतार बच्चियां वल्लों बेफिकर हो गया, पर नाल ही उह राणी दा ध्यान वी रखदा, समां कढ के उहनूं घुमाउण वास्ते लै जांदा। राणी दे घर आउण नाल घर विच जिवें रौनक आ गई होवे। बाकी सब कुछ ठीक चल रिहा सी, पर निम्मी करतार दी कुड़ी राणी नाल ज़्यादा घुलदी मिलदी ना। राणी उहदा पूरा ध्यान रखदी जो एक माँ रख सकदी सी, पर निम्मी नूं उह हमेशा दूसरी जनानी ही लगदी जो उसदी माँ दी जगह आ गई है। जदों राणी उसनूं फड़ के तैयार करन दी कोशिश करदी ता उह उत्थों भज जांदी ते गली विच इस तरह ही खेडन चली जांदी। उहनूं इसे तरह दी गंदी जिही बनी देख लोक गल्लां करदे कि बच्चे मतरेई माँ दे वस पै गए, पता नहीं हुण इहनां दा की बनूं। मतरेई माँ शब्द उहदे दिल विच घर कर गया। पर करतार दा मुंडा नूर राणी नूं बहुत पसंद करदा, उहनूं जिथों जीतो माँ वर्गा ही निग महसूस हुंदा। निम्मी जदों करतार ते राणी इकट्ठे बैठदे देखदी तां होर चिड़ जांदी। राणी बहुत कोशिश करदी कि निम्मी उसनूं माँ दे रूप विच अपना लवे, पर जिवें जिवें निम्मी वड्डी हुंदी गई उह राणी तों दूर हुंदी गई। पर राणी उस दा बहुत ध्यान रखदी क्योंकि उह उस दी सब तों प्यारी सहेली दी निशानी सी ते हुण उस दी बेटी वी सी। हुण निम्मी जवान हो गई सी ते उहने कालज दाखला लै लिया सी। पता नहीं किवें निम्मी दी उहनां दी फैक्टरी विच काम करदे इक अतुल नाम दे मुंडे नाल दोस्ती हो गई। सारा दिन उहदे सुपनिआं विच गवाची रहिंदी, घरों कालज जांदी पर सारा दिन अतुल दे नाल घूमदी रहिंदी। अतुल ते उहदा प्यो उत्थे फैक्टरी दे नाल इक कमरे विच रहिंदे सी। उह वी बहाना मार के फैक्टरी तों निकल आउंदा। निम्मी अतुल नाल विआह करवाउणा चाहुंदी सी। इह गल राणी नूं पता लग गई। राणी ने निम्मी नूं बहुत समझाया कि उह तेरे लायक नहीं है, उहदा खेड़ा छड्ड दे, पर निम्मी ना मन्नी सगों उहनूं भज के पै गई कि तूं हुंदी कौण है मैनूं रोकण वाली। राणी ने इह गल अपने पति करतार नूं दसी, पर नाल ही निम्मी नाल इस बारे गल करन तों रोक दिता क्योंकि उह नहीं चाहुंदी सी कि किसी कारण निम्मी नूं पढ़ाई छड्ड के घर रहना पवे जां फिर कोई गलत कदम ना चुक लए। उस दिन निम्मी घर नहीं सी। उन्हां दोवां ने अतुल ते उहदे पिता नूं अपने घर बुलाया ते अतुल नूं निम्मी दी जिंदगी विच्चों चले जाण लई कहा। इस दे बदले उस नूं इक कीमत दित्ती जावेगी, नहीं तां उस दा हाल बुरा कीता जावेगा। अतुल मन गया ते 5 लख लै के अपने पिता नाल किते दूर चला गया ते अपना उह नंबर जो निम्मी कोल वी सी हमेशा लई बंद कर दिता। निम्मी कई दिन उहदा नंबर मिलाउंदी रही। उहने कईआं तों अतुल बारे पता कीता पर किसे नूं कोई खबर नहीं सी। राणी भी इस तरह अनजाण बनी रही जिवें कुछ होया ही ना होवे। थोड़े दिन निम्मी बेचैन रही पर फिर संभल गई ते राणी ने भी सुख दा साह लिया। उहने निम्मी दा ध्यान रखण विच कोई कसर ना छड्डी। नाल दे पिंड निम्मी दी कोई नवीं नवीं सहेली बनी सी। उह निम्मी दे घर काफ़ी आउंदी जांदी सी। फिर निम्मी भी उहदे घर जाण लग पई। राणी दा ध्यान हर वेले निम्मी विच ही रहिंदा। उहनूं इह सी कि निम्मी किते कुछ गलत ना कर लवे। फिर राणी नूं कितों भिणक लग गई कि जिहड़ी सहेली दे घर उह जांदी उहदे भरा ने निम्मी नूं अपने प्यार विच फसा लिया है। जिस गल तों राणी डरदी सी उही हो गई। राणी ने निम्मी दी उस सहेली दे घरे जाण ते पाबंदी लगा दित्ती, पर निम्मी ना हटी।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਸੀ। ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਹੀ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਨਿੰਮੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉੱਧਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਨਿੰਮੀ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਿੰਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਤਾਂ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਲਰਦੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਮੀ ਦਾ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਨਿੰਮੀ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਗਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੰਮੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਨਿੰਮੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈ ਨਿੰਮੀ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਕਮਾਓ ਅਤੇ ਖਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਨਿੰਮੀ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮਹੇਸ਼ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਈ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹੇਸ਼ ਘਰੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤਿਆ। ਨਿੰਮੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਘਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿੰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਾਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਮੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੰਮੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿੰਮੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਵਾਂਢ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਮਤਰੇਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਾਇਆ, ਭਲਾ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਨਿੰਮੀ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਮਤਰੇਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਤੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।